तो जय हिंद सांग मैंने। तो आज हम देखिए कि एसएससी रो जेई केमिति फॉर्म आवेदन करा जाए। तो अठी जो लॉगिन लिखा छि यूजर रजिस्ट्रेशन नंबर, तो अठी आपन रजिस्ट्रेशन नंबर दे देबे, तार अठी पासवर्ड दे देबे, तार आपन कैप्चा देखि लॉगिन करनेबे। जति आपन निजर रजिस्ट्रेशन आईडी भूली जाय छंती तबे आपन फॉरगॉट पासवर्ड मारि के आपन कर अठी रजिस्ट्रेशन नंबर शो करिवो, देन आपन रजिस्ट्रेशन आईडी मारि के तबे आपन पासवर्ड देखि आपन लॉगिन करनेबे। जति आपन नुवा करछन त न्यू यूजर उपर रहयक दबे। तो तापर आपनकर खोलिबो बेसी डिटेल बा डू यू हैव आधार। जदि आपनकर आधार नंबर अछि तबे आपन एठी यस करंतु, तापर आपन आधार नंबर अठी दे देबे, तारे वेरीफाई आधार नंबर आथर दे देबे। जदि आपनकर आधार नंबर नाही तो अठी आपन न करंतु, देन टाइप ऑफ आईडी रे आपन किछि आपन डिसलेक्ट करन, तो अठी मो ड्राइविंग लाइसेंस चूज कर दै छी। तार आईडी नंबर टी आपन अठी दे देबे, तार नेम रे आपनकर ना कोन अछि आपन अठी दे देबे, तारे वेरीफाई नेम रे आपन टेन सर्टिफिकेट कोन अछि तब आथर सेही नाम टी आधार टाइपिंग कर देबे। तार हैव यू एवर चेंज नेम, तो आपन जदि चेंज करथिबे ना डी तो डी एस करन तो नजर न रह दियंतु। तार आईडी फादर्स नेम, तो अठी आपन फर्स्ट बापा ना दे दियंतु, तार वेरीफाई फादर नेम रे आपन बापा ना आधार टाइपिंग कर दियंतु। तार असला आपन मदर्स नेम, तार अठी मां को ना दे दियंतु, वेरीफाई मदर्स नेम रे आपन मां को ना आधार टाइपिंग कर दियंतु। तार आपन डेट ऑफ बर्थ टी आपन दे देबे, तार वेरीफाई डेट ऑफ बर्थ रे आपन आधार डेट ऑफ बर्थ टी आपन दे दियंतु। तार आपन एजुकेशनल बोर्ड कोन थिला दशम रे तो अठी आपन दे देबे, तार वेरीफाई एजुकेशन डिटेल आपन आउथरे से बोर्ड टी दे देबे, तार आपन रोल नंबर दे देबे, तार वेरीफाई रोल नंबर आउथरे आपन 10th रो रोल नंबर टी दे देबे, तार आपन को इयर 10th पास आउट होइछन एबे दे देबे। तार वेरीफाई इयर पासिंग रे आपन आउथरे दे देबे, तार जेंडर आपन दे देबे, वेरीफाई जेंडर आपन आउथरे दे देबे। तार लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपन को जे पाठ पढ़िछन आपन अनुसार आपन दे देबे, तो ग्रेजुएशन चूज करा हिजे। देन मोबाइल नंबर आपन दे देबे, तार वेरीफाई मोबाइल नंबर आपन आउथरे मोबाइल नंबर दे देबे, तार आपन मेल आईडी दे देबे, तार वेरीफाई करबा पई आधार मेल आईडी दे देबे, तार आपन स्टेट बा कोन अछि तो अठी आपन दे देबे, तार आपन सेव कर देबे। तार असले एडिशनल एंड कांटेक्ट डिटेल, तो अठी आपन कैटेगरी कोन जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एसटी एंड एससी, तो आपन अनुसार आपन दे देबे। तार वेरीफाई कैटेगरी आपन आधार से टाइपिंग कर देबे। नेशनलिटी कोन अछि सिटीजन ऑफ इंडियन अठी आपन चूज कर देबे। तार आइडेंटिफिकेशन मार्क जदि किछि अछि तो अठी आपन दियंतु, जदि नाही तबे आपन नो मार्क दे देबे। तार आर यू पर्सनल विथ बैच मार्क डिजेबिलिटी, तो आप डिजेबिलिटी थी डीएस करूँ नचे आप नौ रेक दिखुद। तार परमानेंट एड्रेस आप आट लिखिक आप गाना टाइपिंग कर दिखाँ गाना पोस्ट ऑफिस दे देबे। तार आप स्टेट आप दे देबे, तार स्टेट आउ थे दे देबे, तार डिस्ट्रिक्ट दे देबे, तार पिन कोड दे देबे। तार जब प्रेजेंट आ परमानेंट एड्रेस जब सामान अच्छे तो आप ईएस करूँ नचे आप न भरिकी आप सब डॉक्यूमेंट गुड़ा आप आउ थे भरी दिखाँ, तार सेव करूँ, तार सेव कर सारे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूँ, तार डिक्लेरेशन आई एग्री करूँ, तार फाइनल सबमिट उपर क्लिक करूँ। तार प्रथम पेज आप खोली खोला परे जूनियर इंजीनियर सिविल मेकानिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन एम किसी इंटरफेस करपर आप क्लिक कर अप्लाई उपर क्लिक करिए। अप्लाई उपर क्लिक कला इंस्ट्रक्शन एमती किसी शो करेंगे आप बाबा ना माँ का ना डेट ऑफ बर्थ एज के जेंडर के सब सब शो कर देन आप परफॉर्मेंस ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर रे फर्स्ट आप सेंटर वन चूज करेंगे, तापर आप सेंटर टू, तार आप सेंटर थ्री, तर वेदर एक सर्विस मैन होते तो अठी आप यूज करेंगे ना आप न रहा देते। डू यू हाव फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज फॉर, एटी आप जो हो तो आप यूज करेंगे ना आप न रहा देते। वेदर स्क्राइब इज रिक्वायर्ड, तो अटा तो नहीं किसी नदे चलो न मारे आप। तार वेदर सिकिंग एज रिलेक्शन, तो एज रिलेक्शन होते यूज करेंगे ना न रहा देते। तार पोस्ट अप्लाइंग फॉर, तो अटी आप सिलेक्ट करेंगे आप कौ पोस्ट आप अप्लाई कर। तार क्वालिफाइड डिप्लोमा डिग्री तो आप सिलेक्ट करेंगे, तापर आप सब्जेक्ट कौन थी आपदे। तार हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अठी आप सिलेक्ट करेंगे, तार आप स्टेटस पास गैपरिंग आप चूज करेंगे, तार पासिंग अटी आप चूज करदे, आप कौ स्टेट रू आप पास करते आप चूज करदे। तार बोर्ड कौन थी आपदे, तार रोल नंबर देखिए परसेंटेज सी जी पे थी जहाँ भी आपदे, तो अठी आप एस करूँ। तार अठी आप फोटोटी अपलोड करूँ 20 to 50 के भितर, तार आप सिग्नेचर टी अपलोड करेंगे 10 to 20 के भितर। तार व्हेदर योर फोटोग्राफ बीन हैज बीन टेकन ऑन आफ्टर, तो ये एस करूँ।
25 April 2023 ମୋରଟା ଫଟୋ କି ନାହିଁ ତ ଟିକେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା'ର ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଦିଆଯାଇଛି ତା'ପରେ ଆପଣ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପ୍ରିଭ୍ୟୁ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଫାଇନାଲ୍ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ ତ ଏଠି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତା'ପରେ ଆପଣ UPI କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଟି ଆପଣ PDF କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିନେବେ।